हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम अपने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को कंटिन्यू करते हैं। हमारा थर्ड इंस्ट्रूमेंट आता है कॉल मनी। तो कॉल मनी का क्या मतलब होता है? देखो, कॉल मनी में क्या को जैसे जितने भी हमारे बैंक्स हैं, आरबीआई को छोड़ के हमारे जितने भी बैंक्स हैं, लाइक एचडीएफसी बैंक, हमारा पंजाब नेशनल बैंक, मतलब एसबीआई, जितने भी बैंक्स हैं, उन सबको क्या होता है, मैंडेटरी होता है अपना। देखो, हर बैंक को क्या होता है, मैं आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि आरबीआई ने क्या कर रखा, हर बैंक से कह रखा होता है कि आपको क्या करना है, सीआरआर में बैलेंस को क्या करना है, मेंटेन करना है। आपने ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। अब सीआरआर क्या होता है एक बार मैं वो बता देती हूँ, ऑल्दो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया होगा पर फिर भी सुन लो। देखो क्या होता है कि अगर आप एक बैंक हो, सपोज़ करो आप एक बैंक हो, आपके बैंक का नाम है एक्स वाई बैंक, ठीक है, आप एक बैंक हो जिसका नाम है एक्स वाई बैंक। तो अब मैंने क्या किया, मैंने आपको कुछ अमाउंट दे दिया, ठीक है, मैं नॉर्मल पब्लिक हूँ, तो मैंने आपको क्या किया, मैंने आपके बैंक में, आपका जो एक्स वाई बैंक है, मैंने वहाँ पे सपोज़ करो 4 लाख रुपए, जो 4 लाख रुपीज़ है, मैंने डिपॉजिट करा दिया आपके बैंक में। तो हमारे आरबीआई के पास कुछ गाइडलाइंस होती हैं। हमारा आरबीआई कहता है कि भाई, जो आपके पास पैसा आया है, उस पैसे का कुछ पार्ट, अब सपोज़ करो उन्होंने कोई रेट फिक्स कर रखा होता है 2-3%, 4-5%, मतलब सपोज़ करो यहाँ पे हमें आरबीआई ने कह रखा है कि आपको 10% क्या करना है, 10% जो डिपॉजिट है उसका क्या करना है, आपको रिज़र्व रखना है। तो ये आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दे रखी होती है यहाँ पे, तो आपको कितना रिज़र्व रखना है, 40,000। तो ये जो 40,000 है ना, जो आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप एज अ रिज़र्व रख रहे हो, तो उस रिज़र्व को हम बोलते हैं सीआरआर। और जो हमारी सीआरआर है उसकी फुल फॉर्म होती है कैश रिज़र्व रेशियो, ठीक, कैश रिज़र्व रेशियो। तो कैश रिज़र्व रेशियो वो रेशियो होता है कि हमारे जो आरबीआई है उसने बोल रखा होता है कि भाई, आपको कुछ अपनी इनकम का पार्ट एज अ रिज़र्व रखना है, जो आपके पास पैसा है उसका कुछ पार्ट आपको एज अ रिज़र्व रखना है, जिसे हम बोलते हैं कैश रिज़र्व रेशियो। अब इसका कॉल मनी से क्या लिंक है कि भाई कॉल मनी से इसका क्या लिंक आ गया? तो यार देखो, अब सपोज़ करो कोई बैंक, आपका जो एक्स वाई बैंक था, उस वो क्या चला गया, लॉस में चला गया, है ना, आपका जो एक्स वाई बैंक था वो लॉस में चला गया। अब पर सी आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको तो अपने जो बैंक है उसमें क्या करना है, सीआरआर मेंटेन करना है, सीआरआर में बैलेंस रखना है जितना आरबीआई ने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बोला। अब आपका बैंक क्या चला गया, यहाँ पे लॉस में चला गया। तो आपने क्या किया, जो आपका कोई और बैंक था, आप एक्स वाई बैंक हो और मैं हूँ वाई जेड बैंक, तो आपने क्या किया, वाई जेड बैंक से कुछ अमाउंट लोन ले लिया, ठीक है, कुछ मनी आपने ले लिया वाई जेड बैंक से, क्योंकि आपकी फर्म लॉस में थी, तो आपने वाई जेड बैंक से ले लिया। तो जो पैसा वाई जेड बैंक ने एक्स वाई बैंक को दिया, जो पैसा मेरे बैंक ने आपके बैंक को दिया ना, उससे हम बोलते हैं कॉल मनी। तो कॉल मनी का मतलब होता है कि भाई, ये वो मनी होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक को उधारी पे देती है, ताकि वो क्या कर सके, सीआरआर में कुछ बैलेंस को मेंटेन कर सके, कुछ बैलेंस रख सके, क्योंकि आरबीआई ने गाइडलाइंस दे रखी होती है कि आपको क्या करना है, आपको अपने सीआरआर में बैलेंस रखना है। तो ये होता है हमारा कॉल मनी का मतलब। और जो कॉल मनी, अब देखो आपने क्या किया, आपने मेरे बैंक से क्या लिया, लोन ले लिया, ठीक है, लोन लिया, क्योंकि आपको क्या करना था, आपको बैलेंस मेंटेन करना था आपके सीआरआर में। अब यार मैं आपको लोन दे रही हूँ, अब देखो मैं तो देखो सच्ची कह रही हूँ, मैं बहुत लालची हूँ, तो मैं आपको फ्री में तो लोन दूंगी नहीं। अब मैं क्या करूँगी, आपको मैंने जो पैसा दिया, पैसे पे मैं आपसे ब्याज भी लूँगी, कुछ इंटरेस्ट भी लूँगी। तो हमारे कॉल मनी पे जो पैसा मैंने आपको दिया उसको हम कॉल मनी बोलते हैं। जो कॉल मनी पे बच्चा इंटरेस्ट होता है ना बच्चा, कॉल मनी पे जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा वो हाई होता है, और उसका रेट क्या होता है, चेंज होता रहता है, बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है उसका रेट, कि कभी भाई आपने, आपको जो मैंने कॉल मनी दी उस पर कभी सपोज़ करो 5%, मतलब हाई होता है, कभी 10%, 15%, 20%, 25%, कभी 25%, कभी 20%, मतलब चेंज होता रहता है। मैं ये नॉर्मल ऐसी फिगर्स बता रही हूँ, ये एक्यूरेट फिगर्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना ही अमाउंट रखना है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये हमारे कॉल मनी का मतलब था। और जो देखो हमारे कॉल मनी की मैच्योरिटी डेट होती है ना, जो मैच्योरिटी पीरियड है कॉल मनी का, वो होता है 1 डे से लेके 15 डेज़ तक, ठीक है, 1 डे से लेके 15 डेज़ तक का हमारा कॉल मनी की मैच्योरिटी डेट होती है। तो बच्चों ये था हमारा कॉल मनी।
का मतलब। और देखो कॉल मनी का ना एक और नाम होता है जो कि है कॉल लोन्स, ठीक है। कॉल मनी को हम कॉल लोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था कॉल मनी का इंस्ट्रूमेंट। अब हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब जिससे हम मेच्योरिटी से पहले किसी थर्ड पर्सन को क्या कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं। और जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसको हम सीडी भी बोलते हैं, ये अनसिक्योर्ड होता है, क्योंकि देखो मनी मार्केट का ये इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ये आता है, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी भी कि तो हम एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते, क्योंकि फिक्स नहीं होता कि हमें सिक्योर हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर आता है कि ये जो है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये कौन इशू करता है, हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमारे बैंक्स और जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जैसे IFCI, हमारा IDBI, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे IFCI, हमारा IDBI, इस टाइप की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती हैं। देखो जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो क्यों इशू किया जाता है, हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इशू डिपॉजिट हाई लिक्विडिटी के पीरियड में इशू किया जाता है। हाई लिक्विडिटी का पीरियड मतलब वो पीरियड होता है जब क्या होती है कि हमारी जो मनी है, हमारी मनी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, मनी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बट उस टाइम हमारे जो मार्केट है मार्केट एरिया में इतना मनी नहीं होता। या आपने मनी के चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब हमारी जो इकोनॉमी में है मनी की नीड ज़्यादा होती है, जो आपके इकोनॉमिक्स में चैप्टर है मनी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमारी मनी की नीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, बट उस टाइम हमारे मार्केट में पैसा नहीं होता, तो उस पैसे की नीड को पूरा करने के लिए हमारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू किया जाता है। ये इसलिए इशू करते हैं क्योंकि हमारे जो मार्केट में है मनी की नीड ज़्यादा होती है, बट उस टाइम हमारे मार्केट में इतना पैसा नहीं होता, तो उस मनी की नीड को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को क्या करते हैं, इशू करते हैं। और जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, वो डिस्काउंट के बेसिस पे इशू होता है। कि अगर कोई 10 रुपये का है तो हम उसको 8 रुपये के मतलब इतने डिस्काउंट पे, हम समझ गए ना आप लोग डिस्काउंट का मतलब, कि जितना उसका एक्चुअल प्राइस है उसके उससे कम प्राइस में वो हमको मिलता है। तो ये था हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब। और ये जो मैं आपको फिगर्स बताती हूँ ना, ऐसी ये फिगर्स नहीं होती है, ये मैं सिर्फ आपको नॉर्मल समझाने के लिए बताती हूँ। तो ये था हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब। अब हमारा लास्ट इंस्ट्रूमेंट आता है कमर्शियल बिल का। मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में मतलब बताऊं तो ये सेम हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम आप लोगों ने पढ़े होंगे 11th की अकाउंटेंसी में, ये सिर्फ सेम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए होता है। देखो कमर्शियल बिल का मतलब होता है कि देखो हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो एक बिजनेस को उसके डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, छोटा मोटा अमाउंट होता है वो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो बचा के रखती है, उसको हम वर्किंग उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि भाई जो हम छोटे मोटे खर्चे के लिए पैसा रखते हैं उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो यार देखो हर बिजनेस को क्या होती है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब सपोज़ करो मेरी फर्म है, मेरी फर्म पलक लिमिटेड, ठीक है, पी लिमिटेड लिख देती हूँ, मेरी फर्म है पी लिमिटेड। मेरी फर्म के पास क्या हो गया, जो मेरी फर्म का वर्किंग कैपिटल था वो ख़त्म हो गया। अब मुझे क्या है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं कहाँ से लाऊंगी। तो कमर्शियल बिल एक तरह का वही बिल होता है जिसके थ्रू, अब मुझे देखो छोटे मोटे एक्सपेंसेस चाहिए, मुझे कुछ सामान खरीदना है, तो मैं उसके लिए कमर्शियल बिल का यूज़ कर सकती हूँ। इससे इस बिल से क्या होगा, मुझे क्रेडिट बेसिस पे क्या मिल सकता है, सामान मिल सकता है। तो ये हमारा कमर्शियल बिल का मतलब है कि भाई अगर किसी कंपनी की छोटी मोटी वर्किंग कैपिटल, छोटी मोटी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी वर्किंग कैपिटल अगर ख़त्म हो जाती है या उसके पास वर्किंग कैपिटल कम है, तो अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वो कमर्शियल बिल का यूज़ कर सकती है। कमर्शियल बिल के थ्रू बिजनेस क्या कर सकता है, वो क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को परचेज कर सकता है। और ये सेम क्या होता है, ये सेम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह होता है। हमारे मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स ख़त्म हो चुके हैं। अब हम आते हैं मनी मार्केट के फीचर पे। तो हमारा फर्स्ट फीचर आता है मोर लिक्विडिटी, कि भाई हमारी जो मनी मार्केट है उसकी लिक्विडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मोर लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, यार देखो मैंने आपको बताया था जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो विद इन अ
ईयर हमें क्या हो जाते हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसका मतलब होता है कि लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, वो बहुत जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं। मुझे लगता है इस पॉइंट को मुझे इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं। हमारा जो दूसरा फीचर है वो है लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ये पॉइंट है समझने वाला कि भाई हमारी जो हम मनी मार्केट से डील करते हैं तो उसकी कॉस्ट कम क्यों आती है। देखो, जब भी आप बच्चों शेयर्स से डील करते हो, या जब आप शेयर्स से डील करते हो, जैसे शेयर्स और डिबेंचर्स वगैरह हैं, ये हमारे कैपिटल मार्केट, जो हम अपकमिंग वीडियो में कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, वो उसके अंदर आते हैं, मनी मार्केट के अंदर नहीं आते। तो यार देखो, जब भी हम शेयर्स वगैरह से क्या करते हैं, डील करते हैं, शेयर्स डिबेंचर्स इन सब से हम डायरेक्ट डील नहीं कर सकते। अगर मैं एक शेयर होल्डर हूँ या मुझे शेयर्स परचेज करने हैं, तो मैं डायरेक्ट शेयर से डील नहीं कर सकती। उसके लिए मुझे एक मिडल मैन ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, एक मिडल मैन की ज़रूरत पड़ती है, और उसके थ्रू मैं इनसे डील कर सकती हूँ। तो अब मैं मिडल मैन, जो मेरा ब्रोकर है, जो मेरे शेयर्स मेरे हेल्प करेगा शेयर्स को परचेज करने के लिए, तो यार ऑब्वियसली मुझे उसको कुछ कमीशन, कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। तो उस केस में हमारी क्या हो जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब मैं यहीं पे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, इन सब की बात करूँ, तो इन सब के लिए हमें डायरेक्ट हम खुद डील कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी मिडल मैन की नीड नहीं होती। तो इस वजह से हमारी जो ट्रांजेक्शन है, जो हमारी कॉस्ट है, वो क्या होती है, वो कम आती है। हमारा थर्ड फीचर आता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट। इसको भी मैंने जब डेफिनेशन बताई थी तब बताया था कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट ये इसलिए होती है क्योंकि ये इसकी ड्यूरेशन 1 साल तक की होती है, और ये जो 1 साल तक की ड्यूरेशन की चीज़ें होती हैं, जैसे कॉल मनी वगैरह, इन सब से डील करती है। तो इसकी इसलिए ये जो हम इसको क्या बोलते हैं, एक तरह का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट बोलते हैं। अब हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है फोर्थ फीचर आता है हमारा कंसिस्ट ऑफ मनी मार्केट। मतलब इसके अंदर हमारा जो मनी मार्केट है उसके अंदर बहुत सारे मार्केट आते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे मार्केट कैसे आते हैं, अब देखो, हमने जब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट पढ़े तो उसमें हमने पढ़ा कि भाई इसमें आता है हमारा कॉल मनी, हमारा ट्रेजरी, कॉल मनी, हमारा ट्रेजरी बिल, हमारा कमर्शियल बिल, हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो यार जब भी हम इन सब से डील करते हैं तो हमें इनके मार्केट से डील करना पड़ता है। जैसे कमर्शियल वो कॉल मनी है, तो उसके लिए हमारा एक कॉल मनी मार्केट होता है, कमर्शियल बिल के लिए हमारा कमर्शियल बिल मार्केट होता है, और मतलब इन सब के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट, मतलब ऐसे क्या है, ये ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल के लिए ट्रेजरी बिल मार्केट होता है, इन सब के लिए बहुत सारा मार्केट होता है। तो इसलिए एक हमारा जो मनी मार्केट है उसके अंदर बहुत सारे मार्केट आ जाते हैं। अब जो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, हमारा जो फिफ्थ फीचर है वो है स्पीडी ट्रांजेक्शन। मतलब जो इसकी ट्रांजेक्शन है वो बहुत स्पीडी होती है। अब स्पीडी कैसे होती है वो सुनो एक बार। भी हम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से डील करते हैं, जैसे कमर्शियल बिल वगैरह, तो उनसे डील करते टाइम क्या होता है कि हमारी ट्रांजेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होती है। कि भाई एक बार हमने टेलीफोन पे बोल दिया या ऑनलाइन बोल दिया, पेपर पे साइन कर दिया, तो ये क्या, बस पेपर पे हमको साइन करना है, हमें क्या करना है, टेलीफोन पे बताना है। तो जब भी मतलब हम डीलिंग क्या करते हैं, हम इस वे में ही करते हैं ना यार। ऑब्वियसली अगर सपोज करो आपको किसी प्रोडक्ट को ख़रीदना है, तो आप क्या जाओगे, दुकान वाले के पास जाओगे, खाओगे कि भैया मुझे ये पैकेट दे दो, और वो हर क्या आपको पैकेट दे देगा। तो सेम इसी वे में आपकी ट्रांजेक्शन क्या होती है, हमारे जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें भी हमारी ट्रांजेक्शन काफ़ी स्पीडी होती है, उनमें इतना टाइम प्रोसेस नहीं लगता। अब आप जैसे बैंक से लोन लेते हो, तो लोन लेते टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैंने जब आपको ब्रिज फाइनेंसिंग बताया था, तो ब्रिज फाइनेंसिंग में मैंने आपको बताया था कि इसकी ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होती है, बहुत जल्दी हमको मिल जाता है। इन द सेम वे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में हमें बहुत जल्दी पैसा मिल जाता है एज कंपेयर टू अदर, इसलिए इसकी ट्रांजेक्शन क्या होती है, स्पीडी होती है। तो गाइज ये था हमारा मनी मार्केट का पूरा टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगली वीडियो में हम कैपिटल मार्केट को पढ़ेंगे, तब तक के लिए मेरी वीडियो को देखते रहना, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और डाउट क्वेरी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय।